मेड इन इंडिया मशीन तंता, 100% शुद्ध स्वदेशी हथियार, आत्मनिर्भर भारत की ताकत असली। हिंदुस्तान की पहली मशीन पिस्टल है जो 9x19 एम्युनिशन के लिए बनाई गई है। ये पूरी तरह इंडिजीनियस प्रोडक्ट है। शक्ति, भारतीय सेना का अभेद्य कवच, घर में घुस कर मारने वाला एक्सप्लोडर। इस एनवायरनमेंट में हम ये एक गाड़ी को एक्सपेंडेबल करा के अंदर ही फोड़ देंगे। गाड़ी के अंदर पॉकेट है, कहां हम एक्सप्लोसिव रख सकते हैं। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत तैयार, स्वदेशी हथियार, हमला जोरदार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। इस शो के खास होने की दो वजह हैं। पहली तो ये कि भारत में बने देसी हथियारों की लिस्ट तेजी से बढ़ती जा रही है, और दूसरी बात यह है कि इन हथियारों में आधुनिकता के साथ साथ तकनीक का ऐसा इस्तेमाल है कि दुश्मन आंख उठाने की जरूरत नहीं करेगा। ये हर तस्वीर, ये हर हथियार आत्मनिर्भर भारत के अब तक के सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। एक एक हथियार पर भारतीय सेना के इंजीनियर्स की मेहनत लगी है। भारतीय सेना को और मजबूत करने के लिए बेजोड़ इंजीनियरिंग लगी हुई है, और लगा है 100% देसी सामान। यहां सिर्फ हथियार नहीं है बल्कि सेना की रक्षा के लिए रचनात्मकता को बेजोड़ मेहनत के साथ साथ एक नए आसमान पर ले गए हैं सेना के इंजीनियर्स। इंजीनियरिंग के इन बेजोड़ आविष्कारों में सबसे पहले जिक्र अस्मी का। देखी होंगी आपने दुनिया में कई सारी बंदूकें, राइफल, पिस्टल, LMG, MMG, सब कुछ, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसा हथियार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नाम से ही स्वाभिमान झलकता है, अस्मी। अस्मी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मेरे द्वारा किया जा रहा या मैं कर रहा हूं। आत्मनिर्भर भारत की ताकत में सबसे पहले जिक्र अस्मी का ही है। इसकी तैयारी पिछले कुछ समय से हिंदुस्तान की सेना के लिए इसलिए भी की जा रही थी क्योंकि क्लोज कॉम्बैट बैटल्स में यह गेम चेंजर है। सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर हमारे सेना के ही इंजीनियर्स ने देश की पहली मशीन पिस्टल बनाई है जो कारगर है, सुविधाजनक है, आधुनिक है। इसे बनाया है लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद ए बरोड ने। खुद उन्हीं से जानिए ये खास कैसे है। हिंदुस्तान की पहली मशीन पिस्टल है जो 9x19 एम्युनिशन के लिए बनाई गई है। ये पूरी तरह इंडिजीनियस प्रोडक्ट है जो इन्फेंट्री स्कूल मऊ का प्रोडक्ट है, और उसे आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट पुणे के साथ में बनाया गया है। ये वेपन काफ़ी लाइट वेट और मॉड्यूलर है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसमें 33 राउंड की मैगजीन आती है। वेपन कॉक करने में और इस्तेमाल करने में काफ़ी एर्गोनॉमिक है। इस हथियार के साथ एक रिफ्लेक्स साइट आती है। हथियार की बट को फोल्ड करके इसे कैरेज के लिए काफ़ी कॉम्पैक्ट बनाया जा सकता है। पूरी तरह से इंडिजीनियस यानी भारतीय होने के साथ साथ इनमें हर तरह की कठिनाई को दूर किया गया है। हर वो दिक्कत जिसका जिक्र सैनिक किया करते थे उन्हें ध्यान में रखकर ही ये पिस्टल बनाई गई है। क्यों है ये मशीन पिस्टल खास, वो भी समझिए। ये है भारत में भारतीय सेना द्वारा बनी मशीन पिस्टल। 9mm का राउंड इसमें जाता है जो एक साइड वेपन होता है किसी भी इन्फेंट्री सोल्जर का या किसी भी दूसरे सैनिक का, उस तरह की है। लेकिन ये मशीन पिस्टल है। इस तरह का इक्विपमेंट भारतीय सेना के पास अभी तक नहीं था। हालांकि भारतीय सेना इसराइल में निर्मित उजी मशीन गन का इस्तेमाल इस तरह के चीज़ों के लिए करती थी, लेकिन ये हथियार बहुत ज़्यादा कारगर उन सैनिकों के लिए होगा जैसे टैंक के क्रू या आर्टिलरी गन के क्रू, कि उनको अपनी सुरक्षा के लिए भी छोटे हथियारों की ज़रूरत होती है। क्लोज कॉम्बैट यानी कम दूरी की लड़ाई में अस्मी आने वाले समय में भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन इससे इतर एक लड़ाई और होती है जिसमें दुश्मन नजर नहीं आता, वो चाल चल चुका होता है। हम बात कर रहे हैं जमीन के अंदर छिपे दुश्मन के हथियारों की। सीधे सीधे कहें तो जिक्र लैंडमाइंस का है। भारतीय सेना के इंजीनियर्स द्वारा ये आविष्कार आने वाले समय में भारतीय सेना के लिए बहुत मददगार होगा, क्योंकि घाटी के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में आतंकियों का अहम हथियार रहती है लैंडमाइंस।
अब लैंडमाइन से निपटने के लिए हमारे पास होगा सैपर स्काउट। इसके साथ साथ एक ऐसा ही हथियार और जिसका नाम है एक्सप्लोडर। इनके कद पर मत जाइए, ये वही हैं जिनके लिए कहा गया है देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। दुश्मन के लिए किया गया इनका मार्क या एक्सप्लोजन किसी बड़े घाव से कम नहीं है। कैसे, एक एक कर समझते हैं। अनमैन माइंड डिटेक्शन यूजीवी है, अनमैन माइंड डिटेक्शन व्हीकल है। लड़ाई के दौरान अभी माइंड फील्ड को क्रॉस करने के लिए बहुत दिक्कत आता है, कारण तब माइंड के ऊपर हमारा पैर, सोल्जर्स का पैर आ जाएगा, वो तो उड़ जाएगा। उसके वजह से अभी तक कैशुअल्टी बहुत ज़्यादा है। पिछले हफ्ते भी हमारा इंडियन आर्मी में बहुत कैशुअल्टी हो चुका है। अभी इस माइंड डिटेक्शन यूजीवी का फ़ायदा क्या है, ये ट्रूप्स के सामने पहले चले जाएगा माइंड फील्ड के अंदर, माइंड को डिटेक्ट करेगा, माइंड को मार्क कर लेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो ट्रूप्स को पीछे पता चला जाएगा यहाँ पे माइंड है नहीं है, उसके हिसाब से वो माइंड फील्ड को क्रॉस करेगा। सैपर स्काउट तकनीक के साथ आधुनिकता का बेजोड़ उदाहरण है। क्यों, उसे ऐसे भी समझिए कि इसमें राडार और मेटल डिटेक्टर को भी जोड़ा गया है। दो कैमरे हैं। पहला कैमरा रात दिन कभी भी काम करेगा, सेना की टुकड़ी के आगे ये लगातार चलता रहेगा और सेना को जानकारी मिलती रहेगी। दूसरा कैमरा 360 व्यू देगा, यानी इसकी नजर सिर्फ आगे और पीछे नहीं बल्कि चारों ओर रहेगी। पहले चीज़ है मेटल डिटेक्टर, ड्यूअल टेक्नोलॉजी मेटल डिटेक्टर है, उसमें GPR और मेटल डिटेक्शन कैपेसिटी है। उसमें क्या हो जाएगा, तब माइंड उसको डिटेक्ट करेगा, अपने आप उस इल्यूमिनेटिंग स्प्रे मार्क कर लेगा उसको। इसके एडवांटेज क्या है, वो दिन और रात में हमको डिटेक्ट कर पाएगा उसको माइंड को। इसमें दो कैमरा है, और दो कैमरा में एक डे एंड नाइट कैमरा है और दूसरा है एक 360 डिग्री कैमरा। ये दोनों कैमरा का फीड हमको एक FPV कंसोल में आ जाएगा। इसके बाद जिक्र एक्सप्लोडर का। इससे न सिर्फ दुश्मन की रेकी की जा सकती है बल्कि उसे वहीं ऑन द स्पॉट उड़ाया भी जा सकता है। इसे ऐसे समझिए कि दुश्मन किसी कमरे में छिपा है और सेना को उसका पता लगाना है। एक्सप्लोडर सेना को यह काम कर देगा। न सिर्फ दुश्मन की रेकी होगी बल्कि रेकी से जुड़ी सारी जानकारी सेना तक पहुंचेगी। इसके बाद सेना दुश्मन को उड़ाने से महज रिमोट का एक बटन दबाने से दूर है। रिमोट कंट्रोल की मदद से वही दुश्मन का खात्मा किया जा सकता है। एक ऑल टेरेन प्लेटफॉर्म हम बनाया था, इसमें 6 व्हील है, 6 ऑल व्हील ड्राइव है और ईच सभी व्हील ना आगे ऊपर और नीचे जाता है, इसके वजह से ऑल टेरेन मोबिलिटी इसमें अच्छी हो गया। और इसका दो ऑपरेशन टाइप ऑफ ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करता है। एक है रूम इंटरवेंशन ड्रिल, रूम के अंदर घुसेगा, कोई मिलिटेंट को रेकी करेगा, पहले कोई है अंदर रूम को रेकी करेगा, उसका फीड पूरा पीछे देगा। दूसरा है मिलिटेंट है अंदर, हम कोशिश करेंगे ये रिमोट डेटोनेशन सर्किट को अंदर छोड़ के वापस आ जाएंगे और रिमोटली हम उसको उड़ा देंगे। तब मिलिटेंट कभी एक गाड़ी अंदर आ जाएगा तो वो छोड़ेगा नहीं, वो तो उसमें फायर करेगा। इस एनवायरमेंट में हम ये एक गाड़ी को एक्सपेंडेबल करा के अंदर ही फोड़ देंगे। सैपर स्काउट और एक्सप्लोडर की ताकत को ऐसे भी समझिए कि सैपर स्काउट लैंडमाइन का पता लगाया करेगी, लैंडमाइन एरिया को चिन्हित करेगी, बिना नुकसान सेना माइन का पता लगा लेगी। एक्सप्लोडर दुश्मन की रेकी करने की क्षमता रखता है और रेकी कर दुश्मन को खत्म भी ऑन द स्पॉट कर सकता है। आगे बढ़ती सेना को हमेशा रुकना पड़ता है जब आगे माइन फील्ड यानी सुरंगों वाला मैदान आ जाता है। भारतीय सेना के सामने एक और चुनौती रहती है कि आतंकवादी मकान के अंदर छुपे हुए हैं और उस समय जो भी सैनिक सबसे पहले रूम इंटरवेंशन करके अंदर जाएगा वो आतंकवादी की गोली का निशाना बनेगा। तीसरी एक और अड़चन है कि जब आईडी उठा ली जाती है तो उसको डिस्पोज करते समय या उसको उस जगह से ले जाते समय कई बार ब्लास्ट होता है और उसमें सैनिकों की जान चली जाती है। यहाँ दो ऐसे आविष्कार हैं जो कि इन सारी परिस्थितियों से, इन सारी मुसीबतों से निजात दिलाएंगे। एक ये एक्सप्लोडर जो कि जो एक्सप्लोसिव है उनको दूर भी ले जाएगा और रूम इंटरवेंशन के दौरान ये मददगार होगा, और दूसरा सैपर स्काउट यानी एक ऐसा इक्विपमेंट जो कि सेना के आगे आगे चलेगा और अगर सुरंगों का मैदान है तो वहाँ उस न केवल माइंस को ढूंढेगा बल्कि उन पर निशान भी लगाएगा ताकि उससे बचकर सैनिक आगे जा सके। सेना हर मुसीबत को पार कर तेजी से दुश्मन का खात्मा कर सके, इसलिए ये आविष्कार जरूरी थे और सेना के इंजीनियर्स ने इन आविष्कारों के जरिए सेना का काम और आसान कर दिया है। दूसरी ओर दुश्मन कोई भी चाल चलने से पहले 100 बार सोच ले, नहीं तो अंत निश्चित है। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा की रिपोर्ट।
जंग के मैदान में किसी भी सैनिक के लिए सबसे जरूरी होता है कवच, सेना का कवच, यानी उसके जूतों से लेकर उसका हेलमेट। कैसे आत्मनिर्भर भारत की प्रयोगशाला में हिंद की सेना को और ताकत मिल रही है, अब इस रिपोर्ट में देखें। सैनिक जब जंग के मैदान में उतरता है तो उसके सामने खुद को लगातार सुरक्षित रखने की चुनौती भी होती है। इसके लिए उसके पास बंदूक तो है ही, साथ ही बूट, हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट, वो सब कुछ जो किसी भी सैनिक के लिए सबसे जरूरी है। इनको और मजबूत किया है हमारे सेना के इंजीनियर्स ने। शुरुआत जूतों के साथ। ये कोई आम नहीं, बहुत खास जूते हैं। ये कोई आम बूट्स नहीं, खास है जो धमाकों को भी सह जाएंगे लेकिन आपके पांव पर आंच नहीं आने देंगे। कैसे, पहले वो समझिए। भारतीय सेना के ही इंजीनियर्स ने ऐसे बूट, जैकेट और हेलमेट बनाए हैं जो हल्के हैं, सस्ते हैं, भारत में बने हुए हैं और ज़्यादा सुरक्षा देते हैं। जैसे ये माइन प्रोटेक्टेड बूट, आपने अक्सर सुना होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक या सरहद पर दुश्मन की पोस्ट के पास जाते समय उसने सुरंगें लगाई हुई होती हैं और ऐसे में सैनिकों के पैर एंटी पर्सनल माइन से उड़ जाते हैं, ये उनको सुरक्षा देता है। ये 35 ग्राम एक्सप्लोसिव को डील कर सकता है, यानी एंटी पर्सनल जो छोटी माइन होती हैं, ये 50 ग्राम बूट, 50 ग्राम एक्सप्लोसिव को, और ये जो कि सबसे बड़ा है, ये 70 ग्राम एक्सप्लोसिव के विस्फोट को सहन कर सकता है, 70 ग्राम के एक्सप्लोसिव पर। और देखिए, इसमें सिर्फ इसकी एड़ी उड़ी, जूता सही सलामत है, यानी सैनिक का पैर सही सलामत है। भारत में बने हुए हैं, हल्के हैं, कारगर हैं। इन बूट्स की खासियत तो आपने देख ली, लेकिन इसके बाद बात हेलमेट की। वो हेलमेट जो अपने आप में सबसे आधुनिक है और पूरी तरह से भारत में बना है। कैसे ये AK-47 के वार को भी झेल जाएगा और कैसे सैनिकों को ट्रॉमा नहीं होगा, कैसे ये पुराने हेलमेट से बेहतर है और क्यों इसे अभेद्य कहा जा रहा है, वो भी जान लीजिए। किसी हेलमेट का जो क्लासिफिकेशन माना जाता है वो ये होता है कि वो 9mm की गोली को 10 मीटर से 45 डिग्री पर के एंगल से अगर फायर किया जाए तो उसको रोक ले। लेकिन ये हेलमेट जो भारत में बना हुआ है, ये AK-47 की गोली को भी रोक सकता है। इसमें ट्रॉमा जीरो है, यानी राउंड से भी सुरक्षा रहेगी और उससे जो झटका लगेगा सैनिक को उससे भी सुरक्षा मिलेगी। अब जान लीजिए अभेद्य हेलमेट के बारे में क्या कह रही है सेना। प्रोजेक्ट अभेद्य के तहत इसको स्टार्ट किया गया था। अभी तक जितने भी दुनिया में हेलमेट है, किसी का भी ट्रॉमा 13mm 10mm से कम नहीं हुआ है, लेकिन ये पहला ऐसा हेलमेट है जो कि AK-47 राउंड को भी रोक सकता है और ट्रॉमा को जीरो कर देता है। तो बेसिकली स्कल तक जो डायनेमिक ट्रॉमा पहुंचता था वो जीरो है, तो जवान जो है उससे ज़्यादा फील नहीं होगा और दोबारा वो फायर बैक करेगा। अब बात जैकेट की, वो जैकेट जो लाइफ सेविंग है। हम बात कर रहे हैं बुलेट प्रूफ जैकेट की। ये सबसे खास चीज़ है, ये है बुलेट प्रूफ जैकेट। खास बात यह है कि ये आम जैकेट से लगभग आधे वजन की है। ये महिला सैनिक जो है उनको भी सुरक्षा देगी। अभी तक सिर्फ पुरुष सैनिकों के हिसाब से बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनती हैं, लेकिन ये जैकेट ऐसी है कि जो यूनिवर्सल है, यानी महिला और पुरुष दोनों ही सैनिक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी तौर पर सुरक्षित। अब इस जैकेट के बारे में सेना क्या कह रही है वो भी जान लीजिए। वो लोग जिनके ऊपर इनको बनाने की जिम्मेदारी थी वो क्या कह रहे हैं। अभी तक जितने भी बुलेट प्रूफ जैकेट हैं, इनका जो रॉ मटेरियल है ये इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन ये पहला, भारत का पहला बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसका रॉ मटेरियल जो है इंडिया से ही सोर्स किया गया है। 100% इंडिजीनियस बुलेट प्रूफ जैकेट है। भारतीय सेना को सुरक्षित करने के लिए चीजें यही तक सीमित नहीं, बल्कि एक खास तरह की दीवार भी सेना को सुरक्षित करेगी। ये खास कैसे है वो भी जान लीजिए, क्योंकि यहाँ फायर इम्पैक्ट को देखा जा रहा है। इसी से ये तय हो रहा है कि इस दीवार पर गोली का कितना असर हो रहा है, जिसे फायर इंपैक्ट कहते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल डीपी डोरा का आविष्कार बताता है कि 60 किलोग्राम की स्टील की दीवार की तुलना अगर 39 किलोग्राम की मुख्यतः बांस से बनी दीवार से की जाए तो बांस से बनी दीवार ज्यादा असरदार है। कैसे, खुद लेफ्टिनेंट कर्नल डीपी डोरा इसे समझा रहे हैं। ये वाले कंस्ट्रक्शन बहुत ही हैवी वेट होते थे और जब बुलेट इंपैक्ट होता था काफ़ी डैमेज होता था इसमें, तो अब हमने उसको रिड्यूस करने के लिए हमने एक बैम्बू कंक्रीट
का कॉम्पोजिट बनाया है जिसमें हम बैम्बू का रीइन्फोर्समेंट यूज़ करते हैं जो उसको लाइट वेट बनाता है। हम स्टोन एग्रीगेट के बजाय कुछ फाइबर्स, कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से इसका एक तो वेट रिड्यूस होता है जो जवानों को ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड ले जाने के लिए इजी रहेगा। प्लस इसमें बेनिफिट ये आता है कि अगर हम बुलेट भी ज़्यादा फायर करते हैं तो डैमेज कम रहता है इस पैनल में। ये हैं आधुनिक होते हिंदुस्तान के आविष्कार जो भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि लगातार ताकतवर बना रहे हैं। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा की रिपोर्ट। Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.